नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे सवाई माधोपुर राजस्थान का ब्लॉग। आप देख सकते हो स्क्रीन में सामने आपके, आज का ब्लॉग है आपके लिए, खास करके सवाई माधोपुर के लोगों के लिए, और जो कि उन लोगों के लिए जो दूर दूर से यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो देखते जाइए वीडियो में आगे। ये ब्लॉग मैं बता दूँ आपको, ये ब्लॉग सवाई माधोपुर के खेड़दा स्थित एक ग्राम से है और सवाई माधोपुर सिटी हॉस्पिटल तक का ब्लॉग है। पूरे बाजार में आपको अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहिए और ब्लॉग का मजा लीजिए। तो आप कैमरे में देख सकते हो, ये है खेड़दा का ब्रिज जिस पे हम अभी चढ़ाई करने जा रहे हैं। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। इसके नीचे खेड़दा की बस्ती बसी हुई है और ये इसके नीचे से जयपुर लाइन भी निकल रही है, जो कि आगे हम आपको दिखाएंगे। देखते जाइए के वीडियो का और मज़ा लीजिए, और जो भाई नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं सामने कैमरे में जो आपको ये नज़ारा दिख रहा है, ये नीचे जो पटरी जा रही है ये जयपुर लाइन की पटरी है, जो कि यहाँ से सवाई माधोपुर जयपुर, यहाँ से सवाई माधोपुर से आपको तीन दिल्ली मार्ग और जयपुर मार्ग के और कोटा मार्ग जाने के लिए ट्रेनें 24 घंटे में बहुत सी ट्रेनें उपलब्ध है। तो ये ब्रिज के नीचे जो पटरी जा रही है वो जयपुर जा रही है। और आगे देखिए, हम ब्रिज अब नीचे उतर रहे हैं जो कि खेड़दा साइड है। और अब हम आ चुके हैं ब्रिज के नीचे और सामने देखिए बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ पे बहुत सारी दुकान है, यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेगी, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो सब यहाँ पे नॉर्मल है। अभी तो बाज़ार स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पे सब चीज़ें मिलती है लगभग। और अब आ गया है यहाँ का जो कि सवाई माधोपुर का लटिया नाला। ये लटिया नाले का वाला ब्रिज है, इसके पास में एक छोटा ब्रिज है जो पहले पुराना ब्रिज था, लेकिन अब वो बहुत ही क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो ये नया ब्रिज बना दिया गया है। आप देख सकते हो उधर दूसरी साइड वो जा रही है गाड़ियाँ, वो पुराना ब्रिज है और ये नया वाला ब्रिज है। अब हम आ चुके हैं जो कि मेन सर्किल है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। सामने आप देख सकते हो और आपको दूर से वो ब्रिज दिख रहा होगा शायद, सर्किल के पास वाला। ये ब्रिज सिटी सवाई माधोपुर सिटी के लिए जाता है, तो हम उधर ही चलेंगे। इधर बाज़ार का रास्ता है लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे, हम सिटी जाएंगे क्योंकि ब्लॉक सिटी के लिए है। उधर का नज़ारा है तो उधर का ब्लॉक देखिए। अगली वीडियो में आपको बाज़ार का नज़ारा भी दिखाएंगे। और ये सामने हम अब चढ़ चुके हैं रेलवे स्टेशन वाला ब्रिज, आपको दिखाते हैं। सामने वो पोस्टर लगे हुए हैं, वो हमारे यहाँ के सवाई माधोपुर के विधायक दानिश अबरार का है। और ये इधर ये है प्रकाश टाकीज, जो कि टाकीज रहते हैं मूवी थिएटर वो है। और अब हम जा रहे हैं आगे, देखते रहिए, वीडियो बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो कि दूर के हैं उनको वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि उनको हमारे सवाई माधोपुर के बारे में पता लग सके। और ये जो नीचे वाला रास्ता जा रहा है इधर, ये स्टेशन पे जा रहा है रेलवे स्टेशन पर। देखिए यहाँ से रेलवे स्टेशन साफ साफ दिखता है नीचे, आप कैमरे में देख सकते हो वीडियो में। और ये वाला रास्ता है जो कि नीचे सिटी की तरफ जाता है। चलने पर हम आपको हमें सर्किल और मॉल भी है यहाँ पे। और जो भाई नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब हम आ चुके हैं स्टेशन वाले ब्रिज से नीचे, इसको बोलते हैं घोड़ा सर्किल।
क्योंकि यहाँ पे आप देखिए अभी वीडियो में सामने देखो कि ये मॉल है, सामने आपको दिख रहा होगा वीडियो में। और ये इसी पास ये सड़क के पास ये है घोड़ा सड़क के अंदर से देखिए कैसे भाला लेके तलवार लेके खड़े हुए हैं। और ये इधर का रास्ता, ये हाउसिंग बोर्ड जो कि कोई जगह है वहाँ पे जाता है, और ये जाता है आलमपुर सिटी। तो हम जाएंगे अभी आलमपुर सिटी की तरफ, तो चलो वीडियो को एंजॉय कीजिए। आप सामने देख सकते हो यह है बजाज फाइनेंस का ऑफिस, और इधर रणथंभौर रोड उधर पीछे निकल गया, उधर फिर नेत्र गणेश जी के लिए जाते हैं, वो रोड पीछे रह गया जहाँ पर सर्किल आई थी वहाँ पर। और ये है सामने बजाज का, सॉरी हीरो। चिकित्सालय हॉस्पिटल वो ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये वही है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ताज़ा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाइए।